तो बेटा चैप्टर नया स्टार्ट कर रहा हूँ अब, ये वीडियो ए सेक्शन वालों के लिए है, तो ए सेक्शन वाले सुन लो भाई, 3 पेज छोड़ के रख दो, साल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन में समझाना बहुत पड़ता है, वीडियो लंबा बन रहा है, ठीक है बेटा, ओके। ए सेक्शन वालों के लिए चलो आप आ जाए रेडॉक्स चैप्टर पर। तो नया चैप्टर है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब है बेटा रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। बेसिक चैप्टर बेटा, केमिस्ट्री के लिए काम का चैप्टर है और इसके एप्लीकेशन भी अच्छे हैं। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या बेटा? रेडॉक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, तो क्वेश्चन बनाओ बेटा, पहला डिफाइन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन विथ एग्जाम्पल। डिफाइन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन विथ एग्जाम्पल। तो समझिएगा, रिडक्शन का मतलब समझिए, दो दो थ्योरिया है बेटा अपने पास, दो दो डेफिनेशन है। देखिए बेटा, कोई एम, एम इज द एन एलिमेंट, इससे बेटा हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। तो बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन थ्योरी है और एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। आ रहा है समझ में? तो समझना अच्छे से। तो रिडक्शन पे पहले बात करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन पे बात करेंगे। तो बेटा फ्रॉम द एम एलिमेंट कौन रिएक्ट करता है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। क्या है बोलो? एक इलेक्ट्रो, क्योंकि मोस्टली एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो रिसीव करे वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो बेटा हाइड्रोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, समझना बेटा। When from an atom hydrogen atom attach, means any other electro positive element attach, या electro positive form में कौन सा element लिया मैंने? Hydrogen। अब इसको मैं electro positive मान रहा हूं, तो M, M for या metal नहीं, M for an element है, समझ में आ रहा है ना? तो बोले ये electro positive है, तो hydrogen बेटा अब electron क्या करेगा? Release करेगा। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा बेटा? और इस पर क्या आएगा भाई? इसने रिलीज किया, इसने रिसीव किया, इस पर माइनस वन आया ना। अब दूसरा बेटा, जो एम एलिमेंट है जो किससे बाइंड है अभी? ऑक्सीजन। हमेशा क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो देखिए बेटा, जब एम एलिमेंट जो किससे बाइंड है अभी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन है एनी अदर इलेक्ट्रो, अरे ऑक्सीजन अभी यहाँ किसका एग्जांपल है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं अभी रिडक्शन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? समझना। तो बेटा एम पर अभी चार्ज क्या है बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब भी किसी से बाइंड होता है कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है? 2। तो इस पर चार्ज क्या होता है हमेशा? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रिसीव करता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। तो जब भी किससे बाइंड फॉर्म में रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना भैया। तो इस पर चार्ज क्या है बेटा? अब एम एलिमेंट ने किसे रिलीज किया? ऑक्सीजन को। तो ये भी, इस पर भी चार्ज, आप फ्री ऑक्सीजन पे चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0। अभी इन पे चार्ज, जो फ्री एलिमेंट होते, याद रखना, जो फ्री एलिमेंट होते किसी से बाइंड, उन पे चार्ज क्या होता है बेटा? 0। बिकॉज जो फ्री एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव या रिलीज नहीं करते। जब बाइंडेड फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिसीव या रिलीज करेंगे। नहीं आया समझ में? तो बेटा देखो, ये दोनों में, दोनों में एम को देखो, हमको किस पर फोकस करना है? एम, एम इज एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है एम। यम यहाँ 0 से क्या हुआ बेटा? -1। और यहाँ यम पहले क्या था? +2। जब किससे बाइंड था?
या मोर, तो यह है एम क्या है बेटा, प्लस टू, प्लस टू से क्या हुआ, जीरो हो गया। तो दोनों देखो, जीरो से क्या होना माइनस वन, या प्लस से क्या होना जीरो, डिक्रीजिंग है ये, जीरो से माइनस वन डिक्रीज वैल्यू है, या प्लस टू से जीरो भी, तो चार्ज का डिक्रीज होना दिस कॉल्ड। और वो कोई एलिमेंट का चार्ज कब डिक्रीज होगा, जब वो एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन से क्या होगा बाइंडिंग करेगा, या किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिलीज करेगा, तब उसका चार्ज। तो इन दोनों रिएक्शन में यम का क्या हुआ है बेटा, यम सो रिडक्शन, यम क्या सो कर रहा है, नहीं आया समझ में आ रहा है, ओके ठीक। तो लिखो डेफिनेशन, व्हेन एन एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट बाइंडेड विथ हाइड्रोजन आर अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट बाइंडेड विथ हाइड्रोजन आर अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, हाइड्रोजन आर अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, नोन एज रिडक्शन, नोन एज रिडक्शन। डेफिनेशन सेकेंड, ये तो पहली हुई, समझ में आ रहा है, रिडक्शन की पांच डेफिनेशन हुई। फिर सेकेंड, सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी बेटा, व्हेन एन एलिमेंट रिलीज, व्हेन एन एलिमेंट रिलीज ऑक्सीजन आर एनी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन आर एनी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन आर एनी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन अ कॉल्ड रिडक्शन। अब देखो बेटा, दो डेफिनेशन आपने लिखे, एक तीसरी डेफिनेशन है जो दोनों का कंक्लूजन है। दोनों डेफिनेशन में जब वो हाइड्रोजन से बाइंड हो रहा है या ऑक्सीजन को रिलीज कर, दोनों में इसका चार्ज क्या हो रहा है, जीरो से यहां प्लस टू से, तो चार्ज रिड्यूस हो रहा है ना बेटा। तो रिडक्शन की फाइनल डेफिनेशन क्या हुई, रिडक्शन ऑफ चार्ज। तो रिडक्शन ऑफ चार्ज दो कंडीशन में होगा, जब हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बाइंड होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिलीज करे, नहीं आज नंबर थर्ड डेफिनेशन। व्हेन ड्यूरिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, दोनों ऊपर की दोनों डेफिनेशन का कंक्लूजन है ये, समझ में आ रहा है। व्हेन एन एलिमेंट क्या बेटा, व्हेन ड्यूरिंग रिएक्शन एन एलिमेंट सो रिडक्शन ऑफ चार्ज, डिक्रीज, एक मिनट एन एलिमेंट सो डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज, डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज या डिक्रीजेस चार्ज, एन एलिमेंट सो डिक्रीजेस चार्ज। देखो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, यम को फोकस करो, माइनस वन हो रहा है, डिक्रीज हुआ ना, प्लस टू से क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ ना, नहीं ना, नोन एज रिडक्शन। तो बेटा आप पहली डेफिनेशन याद करना रहा, अच्छा समझोगे, सेकेंड या थर्ड, थर्ड कंक्लूजन है, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी किसी एलिमेंट का ड्यूरिंग रिएक्शन चार्ज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन, समझ में आ रहा है। और वो कब हो सकता है, जब वो एलिमेंट किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से बाइंड हुए या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिलीज करे, दोनों कंडीशन में चार्ज क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, और इसी फिनोमिना को क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट डालो, ऑक्सीडेशन,
अब देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन के लिए अपन इसको रिवर्स कर देते हैं। रिएक्शन आप ऐसी कर देते हैं, अभी हम के साथ कौन बॉइंड है बेटा? याच, याच मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और यह यम किससे बाइंड हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो बेटा जब कोई एलिमेंट मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। किसके कंपेयर में? एम के कंपेयर में। को क्या कर रहा है? रिलीज। या मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव से क्या हो रहा है? बाइंड हुआ है मोर। तो यहां देखो, जैसे ये रिलीज करेगा तो यम भी फ्री हो गया और एच भी, तो यम पे अब चार्ज क्या हो गया? अब जब अभी जो यम है वो फ्री है और किससे बाइंड हो रहा है, तो अब इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इस पे चार्ज प्लस टू। अब देखो बेटा दोनों रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एम का जो चार्ज है, एम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस वन से क्या हुआ, और इसमें जीरो से क्या हुआ? तो माइनस वन से जीरो होना मीन्स इंक्रीज होना, और जीरो से प्लस टू होना मीन्स इंक्रीज होना। तो चार्ज का इंक्रीज होना मीन्स ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो चलिए, व्हेन एन एलिमेंट रिलीज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर हाइड्रोजन, रिलीज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दोनों डेफिनेशन एक साथ ही कर दे रहा हूं, रिलीज क्या बेटा? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? आर रिसीव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर ऑक्सीजन, आर रिसीव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर ऑक्सीजन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन लिख दो आप, पहले की दो डेफिनेशन एक साथ ही लिखा दिया मैंने, है? सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी? वेन ड्यूरिंग रिएक्शन द चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, when during reaction charge of an element increases, known as oxidation, reaction लिख दो बेटा। तो फर्स्ट रिएक्शन में एम एलिमेंट का चार्ज माइनस वन से क्या हुआ बेटा? जीरो, मीन्स इंक्रीज हुआ, और सेकेंड रिएक्शन में जीरो से क्या हुआ? फिर से इंक्रीज हुआ। आ गया समझ में? लिखिए बेटा, डिफाइन करो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन?
ना दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट शो रिडक्शन एंड अनदर सेकेंड एलिमेंट सो ऑक्सीडेशन नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. अब देखिए बड़े एक रिएक्शन है आपके सामने, आ रहा है समझ में? अब देखते हैं कि इसमें किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन. तो बड़े जो यहाँ क्लोरीन है बेटा, यहाँ क्लोरीन है, सबके साथ कौन अटैच है बेटा? क्लोरीन. क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7. तो जब भी ये किससे बाइंड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे 1 लेगा. तब तो उसका ऑक्टेन क्या होगा? तो हमेशा हेलोजन कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं? 1. क्योंकि हेलोजन मेटल या टिन भी मेटल है, आयरन भी मेटल के कंपेयर में ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो ध्यान दो यहाँ टिन पे देखो, एक क्लोरीन एक माइनस, सेकेंड क्लोरीन सेकेंड माइनस, तो यहाँ टोटल कितना माइनस हुआ? 2 माइनस. तो टिन पर 2 प्लस आएगा ना. ये चार्ज लाना सीखो पहले. भाई दो क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देगा कौन? टिन. तो टिन ने दो दिया तब तो दो क्लोरीन पे दो माइनस आए. yes, तो यहाँ टिन 2 प्लस है. यहाँ आयरन देखो, 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये वाला जो आयरन है ये 3 प्लस हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 3 क्लोरीन को. yes, क्लोरीन पर क्या चार्ज है बेटा? यहाँ -1. 2 क्लोरीन पे 2 माइनस, यहाँ भी क्लोरीन पे कितना है? 3 क्लोरीन पे 3 माइनस. तो इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. yes, नहीं आया समझ में? अब SnCl4 4 क्लोरीन 4 माइनस, तो टीन पर क्या आएगा? 4 प्लस. यहाँ आयरन पे 2 प्लस आएगा, 2 क्लोरीन 2 माइनस होगा, क्लोरीन तो -1 ही रहता है. तो देखो आप, ये है इधर रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट. तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हुआ है क्या? अरे क्लोरीन यहाँ भी -1 था, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है. क्लोरीन का ना तो रिडक्शन हुआ है ना तो कुछ नहीं हुआ उसका. तो उसके चार्ज में, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस? अब यहाँ टीन 2 प्लस से क्या हुआ? या आयरन 3 प्लस से क्या हुआ? तो 2 प्लस से 4 प्लस होना मींस ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज का इंक्रीज होना. तो टीन का क्या हुआ बोलो? और यहाँ आयरन 3 प्लस से क्या हुआ? 2 प्लस. चार्ज का रिडक्शन हुआ. तो क्या बोलोगे? रिडक्शन. नहीं आए समझ में? एग्जाम्पल लिखो. और क्लोरीन का क्या हुआ? ना तो रिडक्शन ना तो ऑक्सीडेशन. समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए बेटा यहाँ समझ में आ गई रिएक्शन? मोस्टली रिएक्शन बेटा हमारी केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन चलती है. समझ में आ रहा है? ओके अब देखिए H2 प्योर हाइड्रोजन है ये. जो प्योर मॉलिक्यूल होते हैं प्योर हाइड्रोजन है, प्योर कोई भी एटम, इन पर चार्ज कितना होगा बेटा? 0. कि किसी और H से ही बाइंड है ना? या किसी अदर डिफरेंट एलिमेंट से बाइंड होता तो लेता या देता?
तो एच टू पे चार्ज कितना है? आई टू हेलोजन पे चार्ज कितना है? अब आयोडीन क्या हो जाएगा? माइनस वन, क्योंकि हेलोजन को वन चाहिए, और ये क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन जीरो से क्या हुआ? तो इसका क्या हुआ? चार्ज इंक्रीज हुआ ना भाई। और आयोडीन जीरो से क्या हुआ? इसका क्या हुआ? समझ में आ रहा है? लिखते जाओ एग्जाम्पल। अपने मान लो ये सोडियम मेटल है बेटा, ये ऑक्सीजन से बाइंड हो रही है, आ रहा है समझ में? और बना रहा है बेटा सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ऑलवेज रिसीव, बोलो ऑलवेज रिसीव, ऑलवेज रिसीव टू इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया बेटा? माइनस टू। एक सोडियम, सोडियम फर्स्ट की मेटल है, वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तब तो ऑक्सीजन को दो मिले। ये तो बैलेंस करने की लगाया आपने, ठीक है बेटा? एक सोडियम पे एक प्लस, दो सोडियम पे दो प्लस। तो सोडियम यहाँ फ्री है बेटा, प्योर एटम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, प्योर है ना। ओ टू भी प्योर है, वो ओ से बाइंड है तो प्योर हुई ना। तो जीरो से क्या हुआ? प्लस वन, इसका ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? और ऑक्सीजन जीरो से क्या हुआ? डिस्कार्ड। क्लियर हो गया आप? yes, पहचान लोगे ऐसे आप? अच्छा, yes, आप एग्जाम्पल लिख दो ऐसे आप। अब समझो बेटा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी आगे ट्वेल्थ में भी। डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल। अब देखिए बेटा, लिखो आंसर, लिखो दोज रिएक्शंस इन विच एनी वन एलिमेंट शो बोथ, दोज रिएक्शन इन विच एनी वन एलिमेंट शो बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एनी वन एलिमेंट सो बोथ रिडक्शन एंड नोन एज डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? देखो अभी तक जो आपने एग्जाम्पल दिए थे उसमें एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, एक का, लेकिन ऐसी भी कुछ रिएक्शन है बेटा, हमारी केमिस्ट्री बड़ी रेयर रिएक्शन है, जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी देखा गया। और जैसे एक रिएक्शन मुझे याद आ रही है बेटा, Cl2 का रिएक्शन वाटर से कराओ,
वाटर मीन्स एच ओ एच। तो बेटा यहाँ आपको या सी एल मिलेगा और एच ओ सी एल मिलेगा, ठीक है। आप देखो पहले हम चार्ज काउंट कर लेते हैं। चार्ज मीन्स ऑक्सीडेशन, चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज को काउंट करना क्या कहलाता है, तो चार्ज काउंट कर लेते हैं। क्लोरीन प्योर है तो इस पर चार्ज, या हाइड्रोजन प्लस वन तो पूरे ओएच पे, ओके, या एच पर सीएल पे, हेलोजन हमेशा ही माइनस वन होते हैं। अब यहाँ देखो सीएल पे लाना है, देखो ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है बेटा, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बोले मैं तो एक ही दूंगा तो बाकी एक किससे लिया इसने, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, बोले मुझे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तुम्हारा दोनों का बाप हूं मैं, समझ रहा। तो ये बेटा ये एक देगा तो ये भी एक देगा, तो यहाँ हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन और किसने दिया, क्लोरीन है तो क्लोरीन पे। आप देखो यहाँ क्लोरीन जीरो से क्या हो रहा है इस कंपाउंड में, और इस कंपाउंड में जीरो से क्या हो रहा है, तो जीरो से माइनस वन होना बोलो, और जीरो से प्लस वन होना बोलो। तो क्लोरीन एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और तो ये किस टाइप की रिएक्शन में आ जाएगी, किसके कारण, समझ में आ रहा है। ये पूरे ओएच पर माइनस वन है, याद रखना पूरे ओएच पर, ये ऐसा याद रखो, इधर यहां भी एच पे प्लस वन और इस पे क्या है माइनस टू, माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया माइनस वन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, आ गया समझ में, क्लियर हुआ।